हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मैं नबील। iOS 18.1 बीटा 6 एप्पल ने रिलीज कर दिया है। काफी बड़ा अपडेट है और इसमें काफी सारे नए नए फीचर्स आए हैं और इसमें से कुछ फीचर्स जो है काफी यूजफुल भी है। वीडियो को गौर से देखिए, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। ये iOS 18.1 का बेटा 6 है। आप शायद स्टेबल वर्जन पे चल रहे होंगे iOS 18.0.1 के, तो फिर वो अलग एक सीरीज चल रही है हमारी वीडियोस की, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को अगर आप अपडेट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, गौर से देखना ताकि आपको समझ में आ जाए क्या कुछ नए फीचर्स आपको अभी iOS 18.1 के अपडेट में मिलने वाले, क्योंकि 18.1 का फाइनल स्टेबल वर्जन जो है ज्यादा दूर नहीं है। iOS 18.1 बीटा 6 का अपडेट मेरे iPhone 16 Pro Max के ऊपर आया है तकरीबन 922.7 MB का। बीटा 5 से बीटा 6 पे जा रहा हूं तब, लेकिन अगर मैं कोई और पुराने अपडेट से आ रहा हूं तो हो सकता है 4 GB 5 GB का भी अपडेट हो। iOS 18.1 बीटा 6 को अपडेट करने से पहले यहाँ पे 18.1 ही था iOS वर्जन, क्योंकि वो 18.1 बीटा 5 था। बीटा 5, बीटा 4, बीटा 6, इसके अंदर 18.1 जो iOS वर्जन है वो कांस्टेंट रहेगा। अवेलेबल फ्री स्पेस देख सकते हैं 555 GB थी और मॉडेम फर्मवेयर यहाँ पे था 1.11.00। अपडेट करने से पहले जो बिल्ड नंबर था उसके एंड में ई था, यानी कि जो फाइनल वर्जन है वो आने के लिए काफी टाइम था। अपडेट के बाद यहाँ पे 18.1 ही नजर आएगा, लेकिन ये बीटा 6 पे आ चुके हम। अवेलेबल फ्री स्पेस देखिए यहाँ पे बढ़ गई है 2.12 GB से, तो यहाँ पे 554.99 GB था, 557.13 GB हो गया है। और यहाँ पे मोडेम फर्मवेयर भी नया हमको देखने मिल रहा है। इस वाले अपडेट के अंदर आपको नया बिल्ड नंबर देखने मिलेगा जिसके एंड में ए है, यानी कि बस अब एक या दो अपडेट दूर है हम फाइनल स्टेबल वर्जन से। इस अपडेट में क्या कुछ नया है आइए चेकआउट करते हैं, क्योंकि अपडेट में काफी सारी चीजें न्यू है। सबसे पहले चलते हैं कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर में देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने वो कनेक्टिविटी वाला जो यहाँ पे एक बड़ा सा टैब होता था उस पर टैप करके हम फिर ओपन करते थे, जहाँ पे हमको वाईफाई, ब्लूटूथ, एयरड्रॉप सब मिलता था, वो मैंने यहाँ से हटा दिया है और इस तरीके से मैंने रखा है। लेकिन अभी इसके अंदर एयरड्रॉप तो अवेलेबल नहीं है, तो मैं एयरड्रॉप कैसे ऑन ऑफ करूंगा। तो यहाँ पे इसके लिए एप्पल ने कंट्रोल सेंटर के अंदर एयरड्रॉप का भी आइकन ऐड कर दिया है। यहाँ पे कनेक्टिविटी में हम जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एयरड्रॉप भी आ चुका है। अब एयरड्रॉप को मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, वीपीएन में ज्यादा यूज नहीं करता तो इसकी जगह पे मैं ये लगा देता हूँ। और अब यहाँ पे देख सकते हैं एयरड्रॉप भी यहीं से आ गया, मैं चाहे तो यहीं से इसको ऑन ऑफ कर सकता हूं, एवरीवन भी कर सकता हूं। इसी के साथ कंट्रोल सेंटर में कुछ और ऑप्शंस भी एप्पल ने ऐड किया है। ये क्या ऑप्शंस है थोड़ा सा नीचे चलते हैं, और यहाँ पे नीचे जाने के बाद हमको देखने मिलेगा मेजर का ऑप्शंस। मेजर में जाएंगे तो मेजर और लेवल दो ऑप्शन आपको देखने मिलेंगे। मेजर को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, मेजर यहाँ पे ऐड हो गया है। अब जब मैं मेजर पर टैप करूंगा इंस्टेंटली ये कैमरा ओपन कर देगा और मैं मेजर कर सकता हूं डिस्टेंसेस को या लोगों की हाइट को। यहीं से लेवल पर टैप करके लेवल भी देखा जा सकता है। iOS 18.1 बीटा 6 के अंदर एक बहुत ही यूजफुल फीचर एप्पल ने यहाँ पे ऐड किया है डायलर के अंदर। डायलर के अंदर ये फीचर की कमी थी, ऐसा नहीं कि ये कुछ इनोवेटिव फीचर है, बट ये चीज जरूरी थी और एप्पल ने यहाँ पे ऐड किया है, तो अच्छी बात है। ये क्या है, इसके लिए आपके पास फोन में डुअल सिम एक्टिव होने चाहिए। जब एक्टिव होगा तो इस तरीके का आपको यहाँ पे ऊपर एक ब्लू आइकन नजर आएगा, जिस पे टैप करके आप दो लाइन में से एक लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपको किसी को कॉल करना है। तो ये एक बहुत इशू था, लोगों को पता ही नहीं चलता किससे कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज आ चुकी है। नोटिफिकेशन के अंदर भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है, देख सकते हैं आप। जीमेल के यहाँ पे 5 नोटिफिकेशन है तो उसके आगे 5 नंबर आ गया है। यहाँ पे किसी ने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया है, दो लोगों ने, और दोनों के इंडिविजुअली 3-3 मैसेजेस यहाँ पे आए हुए हैं, तो उसके आगे आपको 3 नजर आ रहा है। यहाँ पे कोई भी जो है मल्टीपल नोटिफिकेशन नहीं है, तो यहाँ पे 1, 2, 3 कुछ भी लिखा नहीं है, सिंगल रहेगा। तो ये भी एक अच्छा फीचर है जिससे आपको पता चल जाए कि इसके अंदर कितने नोटिफिकेशंस है टैप करने से पहले। अगली चीज है गाइज, यहाँ पे स्लीप एपनिया नोटिफिकेशन ये भी आ चुका है। तो हेल्थ में चलते हैं और यहाँ पे आप इसको पिन करके रख सकते हैं जो समरी टैब है उसमें, या फिर आप ब्राउज में जाके सिंपली यहाँ पे स्लीप एपनिया नोटिफिकेशन जो है वो सर्च कर सकते हो और यहाँ पे ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरे फोन पे और मेरी वॉच पे इट इज नॉट वर्किंग, अभी फिलहाल नहीं चल रहा है। देख सकते हैं आप, इट इज नॉट अवेलेबल इन योर रीजन लिखा है, जबकि मैंने इंग्लिश यूएस पे लैंग्वेज सेट किया है, यूएस को रीजन चूज किया है, तो किस वजह से नहीं चल रहा है एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस के बाकी सारे फीचर्स यहाँ पे चल रहे हैं। तो अभी फिलहाल इंडिया में तो ये काम नहीं कर रहा मेरे लिए। इसका एक और रीजन यहाँ पे हो सकता है कि जो वाइटल्स है इसमें मेरा डेटा जो है अब कम है। 3 रातों तक मैंने ये वॉच पहन के अपनी नींद पूरी की थी, लेकिन और 4 रात तक मुझे ये पहनना पड़ेगा, तब जाके मुझे अपने वाइटल्स जो है स्लीप के वो नजर आएंगे। यहाँ पे हो सकता है कि ये 4 रात जब मैं इसको पहन लूँ तो स्लीप अपने नोटिफिकेशन आ जाए, पर मुझे लगता नहीं ऐसा होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि आपके रीजन में ये सपोर्टेड नहीं है। तो फिलहाल इंडिया में शायद ये सपोर्टेड नहीं है, बाकी आप में से कोई अगर यूज करे तो चेक करके मुझे बताना कि आपके इसमें काम कर रहा है या नहीं। नोट्स के अंदर आपको यहाँ पे नया आइकन देखने मिलेगा एप्पल इंटेलिजेंस का, जैसे यहाँ पे मैंने हाय हाउ आर यू लिखा है तो मुझे राइटिंग टूल्स में जाना पड़ता है तरीके से सिलेक्ट करके, और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे राइटिंग टूल्स में ये सारे समरी और ये सारे ऑप्शन देखने मिलते हैं। लेकिन अब क्या है, मैं यहीं से टैप कर सकता हूं और यहाँ पे देखिए
इसको मैं प्रूफ रीड करवा सकता हूँ, ये प्रूफ रीड करेगा पूरे पेज को अगर सिलेक्ट करूंगा तो उस पर्टिकुलर चीज को, और यहाँ पे ये प्रूफ रीड करके मुझे 15 चेंजेस सजेस्ट भी कर रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको रिवर्ट करता हूँ, फिलहाल मुझे कोई चेंज करना नहीं है, बट आप इस तरीके से अब एप्पल इंटेलिजेंस का यहाँ पे जो नोट्स वगैरह है इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर सर्च में एक नया अपडेट आया है कि सेटिंग्स में आप जाएंगे, यहाँ पे सर्च पे टाइप करेंगे, देखिए आपको ये नया इंटरफेस मिलेगा, आपका जो कॉमन चीजें जो सर्च करते हैं वो यहाँ पे सजेस्ट भी करेगा। जैसे लोग जनरली सर्च क्या करते हैं, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस को, जनरल को, अबाउट को, ऑटो लॉकिंग को, तो यहाँ पे ये चीजें आपको ऊपर आ जाएंगी। बाकी जो रीसेंट सर्चेस है आपको वो यहाँ पे नीचे दिखाएगा, और अगर आप यहाँ पे कोई चीज सर्च करते हो तो वो भी यहाँ पे ज्यादा स्मार्ट तरीके से आप सर्च कर पाएंगे। कैमरा कंट्रोल अगर आपके आईफोन में है, जैसे आप 16 के सीरीज का कोई भी आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं और कैमरा कंट्रोल को आप ओपन करते हो, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर आप कैमरा कंट्रोल के ऊपर जब भी टैप करते, चाहे किसी भी मोड पे हो, और आप इस तरीके से होल्ड करके यहाँ पे रखेंगे तो आपको यहाँ पे एक लाइन नजर आएगी, ये लाइन को नीचे खींचेंगे तो यहाँ से भी आप मोड्स के बीच में टॉगल कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को ओवरवेलमिंग लगता है थोड़ा कि यहाँ पे एक बार टैप करे, फिर दूसरी बार इस तरीके से टैप करे, फिर दो बार टैप करे, फिर उसके बाद यहाँ पे मोड्स में जाए, तो अगर आप प्रेस एंड होल्ड करके इस तरीके से रखेंगे तो आपको वो लाइन मिल जाएगी, और वो लाइन पे आप प्रेस करके वो मोड्स को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, इतनी कोई ग्रेट चीज़ नहीं लगी मुझे। गेमिंग कंट्रोलर इस्तेमाल करते हो एक्सबॉक्स वाला, तो वायर्ड कंट्रोलर्स को इस्तेमाल करने का भी ऑप्शन अब आ चुका है गेमिंग के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। iOS 18 या 17 किसी में भी आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब हम कैमरा ओपन करते हैं या माइक इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे ये ग्रीन लाइट छोटी सी डायनेमिक आइलैंड में आती है। अब यहाँ पे मैं इसमें से बाहर निकल जाता हूँ, ये मेरा 14 प्रो मैक्स है जिसपे iOS 18 स्टेबल वर्जन चल रहा है। 16 प्रो मैक्स में यही चीज आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसके लिए भी नया एनिमेशन आया है। यहाँ पे गौर से देखना आप डायनेमिक आइलैंड में, मैं यहाँ पे कैमरा ओपन करता हूँ तो जो लाइट आती है वो आने के बाद जब आप इसको क्लोज करेंगे तो ये अलग तरीके से जो है क्लोज होती है। तो एक छोटी सी चीज है, एक छोटा चेंज है, मुझे लगा आपको बताना चाहिए तो मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटा सा माइनर चेंज किया है एप्पल ने बस। कुछ नए स्प्लैश स्क्रीन भी है, जैसे आप पहली बार हेल्थ ओपन करेंगे तो आपको ये स्प्लैश स्क्रीन देखने मिलेगा जिसमें शेयर माय डेटा विद एप्पल करके आएगा। शेयर करना तो कीजिए, नहीं तो नहीं। एप्पल इंटेलिजेंस मेल में जो आया है उसके लिए मेल एप्लीकेशन पर देंगे तो नया स्प्लैश स्क्रीन आपको देखने मिल सकता है। इसके बारे में बताएगा क्या कुछ आपको इसमें देखने मिलेगा नया। फ्री फॉर्म ओपन करने पे भी ये वाला स्प्लैश स्क्रीन मुझे मिला था। एयरपॉड्स अगर आपके पास है, एयरपॉड्स प्रो 2 खास करके, तो उसको कनेक्ट करने पे ये पॉपअप आएगा, लाउड साउंड रिडक्शन वाला। इसको कंटिन्यू करके सेटअप कर सकते हैं। लाउड साउंड रिडक्शन आपको एयरपॉड्स की सेटिंग में भी देखने मिल जाता है। अचानक से कोई जोरदार आवाज आपके आसपास होती है, जैसे मैंने एयरपॉड्स पहना हुआ है, अब यहाँ पे एकदम जोर सा हॉर्न बज गया या कुछ हो गया, तो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का इस्तेमाल करके ये लाउड साउंड को रिड्यूस करेगा ताकि मेरे कान खराब ना हो। इस वाले अपडेट में कुछ बग फिक्सेस भी एप्पल ने किया है। वो बग फिक्सेस क्या है, एक तो है कैमरा में मैक्रो मोड में अटक जाता था फोन। कल हमने एक्चुअली टेस्ट किया, थोड़ा सा बाहर गए थे तो इस फोन का कैमरा टेस्ट कर रहे थे। iOS 18.0.1 में ऑलरेडी वो फिक्स था, लेकिन इस वाले फोन के अंदर जब हम मैक्रो मोड का इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि बेटा वर्जन पे चल रहा है 18.1 का, तो मैक्रो मोड कभी कभी हैंग हो रहा था। तो अभी जो है ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे एप्पल ने सॉल्व कर दिया है इस वाले अपडेट के अंदर भी। एक बग यहाँ पे अभी भी दिखाई दे रहा है मुझे कि जब मैंने कीबोर्ड ओपन किया और यहाँ पे इमोजीज में गया तो देखिए यहाँ पे ब्लैंक इमोजीज जो है वो दिखाई दे रहे, तो ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम नजर आ रहा है। बाकी टच वाला इशू यहाँ पे एप्पल ने फिक्स कर दिया है, जब कैमरा कंट्रोल बटन पे फिंगर रखते हो तो बहुत सारे आईफोन्स में हैंगिंग प्रॉब्लम आ रहा था, स्क्रीन अनरिस्पॉन्सिव हो रहा था, तो वो इशू यहाँ पे भी सॉल्व किया एप्पल ने। रिलीज नोट्स देख लीजिए यहाँ पे, इसके सारे आपको जो रिजॉल्व इश्यूज है, नॉन इश्यूज सारे नजर आ जाएंगे। तो इसमें रिजॉल्व इश्यूज काफी सारे हैं, वो एप्पल ने यहाँ पे फिक्स किया है, लेकिन अभी भी थोड़े बहुत नॉन इश्यूज नजर आ रहे, क्योंकि एकदम स्टेबल अपडेट नहीं है, अभी एक आध अपडेट इसकी और भी आने की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं विजेट्स के अंदर नए फीचर्स दिए हुए हैं, रिजॉल्व इश्यूज है, इसी के साथ यहाँ पे नॉन इश्यूज अभी भी काफी सारे मौजूद है, तो इसको एप्पल धीरे धीरे फिक्स करते जाएगा। बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी देखिए यहाँ पे मैं आपको बैटरी लाइफ के बारे में तो नहीं बता सकता, क्योंकि ऑब्वियसली अभी अपडेट आया है। बाकी यहाँ पे चार्जिंग के अंदर कोई भी नया फीचर नजर नहीं आ रहा है, वो इस क्लीन एनर्जी चार्जिंग, क्योंकि मैंने यूएस पे रखा हुआ है लैंग्वेज और रीजन, बाकी ये अपने यहाँ पे कुछ काम का नहीं है इंडिया में। रही बात बैटरी हेल्थ की, बैटरी हेल्थ में साइकिल काउंट है 15 अपना, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट यूज हुआ है मेरा फर्स्ट डे पे, या फर्स्ट डे से भी दो दिन पहले जब लोगों को मिला था, तो इतना साइकिल काउंट हुआ है 15। बैटरी कैपेसिटी 100% रहेगी इंशाल्लाह आगे भी, आप देखेंगे अभी तो फिलहाल है ही, उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और लास्ट 10 डेज का यूज मैंने अच्छा खासा किया है, क्योंकि मेरा प्राइमरी फोन है, बीच बीच में मैं दूसरे फोन पे भी शिफ्ट होते रहता हूं, लेकिन मेरा जो एक्चुअल प्राइमरी फोन है वो यही है। दूसरे फोन जाने की वही आपके लिए जो मैं iOS टेस्ट करता हूं, तो आईफोन 15 वगैरह में या 16 में कुछ करता हूं तभी, अदरवाइज यही मेरा प्राइमरी फोन रहता है। लेकिन मैं इसकी बैटरी लाइफ वगैरह चेक करके इंशाल्लाह आपको रिव्यू वीडियो में बताऊंगा आगे जाके। आईफोन स्टोरेज की बात करती है तो आईफोन स्टोरेज देख सकते हैं आप एकदम स्टेबल है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। सिस्टम डेटा भी 1.07 GB का है, आपका ज्यादा भी है तो टेंशन मत लो, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है, यहाँ पे लिखा है साफ तौर पे, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर कुछ यहाँ पे इशू होता तो मैं आपको खुद बता देता। नेटवर्क परफॉर्मेंस अभी नए मोडेम फर्मवेयर का कैसा रहता है वो तो देखने वाली बात है, फिलहाल नेटवर्क अच्छा ही लग रहा है, कॉलिंग वॉलिंग में किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन कुछ दिन यूज करके मैं आपको बताऊंगा जरूर। परफॉर्मेंस की बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के अंदर फिलहाल कोई कमी नजर नहीं आ रही, कोई ग्लिच या ऐसा कोई लैग वगैरह मुझे देखने में, सारी चीज
स्मूथ काम करे, लेकिन अभी है ये फिलहाल, हो सकता है कल परसों में प्रॉब्लम आ जाए, हीटिंग इशू आ जाए, क्योंकि अपडेट करने के बाद हार्डली हमने कुछ इसको इस्तेमाल किया है, तो इस पे बताया नहीं जा सकता अभी, लेकिन रिव्यू वीडियो जो आगे होगा उसमें बताया जा सकता है। एनीवेज यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है नॉर्मल वो ठीक ही नजर आ रहा है और इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बेंचमार्क्स हम चेक कर ही लेते हैं क्योंकि बेंचमार्क्स में हमको काफी कुछ समझ में आ जाता है। ये सीपीयू की हिस्ट्री है, यहाँ पे पहले स्कोर था 3468 8330 और अभी है 3506 8720, तो अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आ गया है। ये पहले के स्कोर मत देखना, ये 15 प्रो मैक्स के मेरे जिससे मैंने इस पे माइग्रेट किया, तो वो यहाँ पे आ गए हैं। बाकी ये 16 प्रो मैक्स के स्कोर्स है लेटेस्ट वाले जिसमें इंप्रूवमेंट है, सीपीयू के स्कोर में बहुत अच्छा स्कोर में इंप्रूवमेंट है। और जीपीयू की अगर बात करें तो उसकी हिस्ट्री में चलते, पहले था 32809 और अभी थोड़ा सा 200 पॉइंट कम हुआ है 32613, तो ये भी नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 100 200 पॉइंट 500 पॉइंट भी अगर जीपीयू में कम हो जाता तो ठीक है, उससे ज्यादा अगर होता है तो फिर थोड़ी सी कंसर्निंग चीज है। बाकी सीपीयू का स्कोर जो है उसके अंदर आपको इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है। अपकमिंग अपडेट्स क्या कुछ आपको देखने मिलेंगे, तो सबसे मेजर अपडेट 18.1 का ही रहेगा जो एक्सपेक्टेड है लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। इसके अलावा और मेजर अपडेट्स अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं है, मेजर अपडेट यही है, हो सकता है एक बेटा या एक आरसी वर्जन या फिर एक बेटा और एक आरसी वर्जन आए अगले हफ्ते और उसके अगले हफ्ते, फाइनल वर्जन आपको 28 को या 29 को अक्टूबर के देखने मिल सकता है। कि आपको iOS 18.1 बेटा 6 पे अपडेट करना चाहिए, अगर आप बेटा 5 पे हो तो अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप वेट कर सकते हैं और वेट करके फाइनल स्टेबल वर्जन पे जा सकते हैं जो इस महीने के एंड में आएगा। फिर आपसे बेटा 6 पे जाने से डर लग रहा है तो डरिए जरूर बिल्कुल, क्योंकि वीडियो जरूर बनाऊंगा मैं आपके लिए और बना के आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वीक में। यही थी कहानी दोस्तों iOS 18.1 बेटा 6 की, उम्मीद करता दोस्तों आपका वीडियो पसंद आएगा, पसंद मेरे को लाइक शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।